मेरा नाम नवरतन लुजिया है, आपको श्रीरा विराम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जो सत्य है। यह जो श्रीरा विराम के बारे में जो जानकारी दूंगा उसमें बहुत रोचक तथ्य मिलेंगे। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BA, BEd, MEd और कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ ITI इलेक्ट्रिशियन। मेरी वेबसाइट है mandusia.blogspot.com। मेरे मोबाइल नंबर है 9929394143। मेरी अन्य पुस्तकें ए लिंक ऑफ सोशियस, सुरिरा स्त्री द फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड बुक है न्यू जनरेशन एट चॉइस ऑफ लव और फोर्थ बुक है फर्स्ट ह्यूमन जातिवाद का उदय। वैसे तो आप सुरिरा के बारे में सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक कंसेप्ट रूप में आपको यह सुरिरा के बारे में शो करना चाहता हूँ। सुरिरा राजस्थान राज्य का महत्वपूर्ण, यह सुरिरा ग्राम पंचायत सीकर जिले की दातारामगढ़ पंचायत समिति में आती है। सुरिरा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य तथा 18 डिग्री पश्चिमी दशांश से 53 डिग्री पूर्वी दशांश के मध्य स्थित है तथा सुरिरा में 9 वार्ड। सुरिरा लगभग 5 से 7 किलोमीटर में बसा हुआ है। सुरिरा का कांकड़ 12,000 के समथिंग है। सुरिरा में सभी समुदायों के लोग निवास करते हैं। सुरिरा में मेघवाल समाज के लोग, देगर समाज के लोग, जाट समुदाय, कुमाऊं समुदाय, राजपूत समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, जैन समुदाय, गुज्जर समुदाय, मीणा समुदाय, हरिजन समुदाय, नाइक समुदाय, डोली समुदाय और अन्य जो कि मुस्लिम समाज में हमारे सुरिरा ग्राम में निवास करते हैं। इसमें है कलाल, साईं, मनियार आदि। सुरिरा ग्राम पंचायत में सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की 63.76%, मेंस 63.76%। सुरिरा की जनगणना 2011 के अनुसार 7542 है। सुरिरा का तापमान लगभग स्थिर रहता है, समान रहता है। सुरिरा में बहुत बड़े बड़े पर्वत है तथा सुरिरा का सबसे ऊंचा पर्वत काली माता रायराम बाबा पर्वत है। सुरिरा की प्रमुख नदी जो कि बंदा से आती है, जो 900 लीटर नदी में उसका पानी मिल जाता है। सुरिरा की सबसे लंबी नदी बंदा नदी है जो कि सुरिरा से निकलकर 900 लीटर नदी में प्रवेश करती है। सुरिरा का मरुस्थल भी समान तथा सुरिरा में मुख्य रूप से खनिज जो कि निम्न है, बालू है, बजरी है, पत्थर आदि जो कि पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। सुरिरा में फसलें भी बहुत होती है, जैसे बाजरा है, मूंगफली है, चना है, मोठ है, ग्वार है, ज्वार है आदि। सुरिरा ग्राम पंचायत में गाय अभयारण्य भी है, यहाँ लगभग 300 गायें हैं। इस अभयारण्य में 300 गायें हैं। यह सुरिरा के अच्छे वातावरण सुरिरा के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन सुरिरा में अन्य ऐसी चीजें हैं जो हमने कभी सुनी भी नहीं है, कभी देखी भी नहीं है। देखी है तो उसमें ज्यादा गौर नहीं किया गया है। सुरिरा में प्रमुख शिक्षण संस्थान सुरिरा में सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय भी स्थित है, जैसे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल गढ़ के पास में बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कि मेघवाल समाज के मोहल्ले में से गुजरने वाली गली के पास में है और इसके बाद में प्राथमिक विद्यालय है तथा इसके अलावा सुरिरा में निजी विद्यालय भी है। सुरिरा अखिल विद्या भारती पब्लिक स्कूल है जो कि एक निजी विद्यालय है। नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, संतोष सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। सुरिरा में शिक्षा का अच्छा माहौल है और सुरिरा की साक्षरता दर 96.67 है तथा सुरिरा में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे बालाजी का मंदिर है, बाबू जी का मंदिर है, तेजा जी का मंदिर है, देवनारायण का मंदिर है, बाबा रामदेव का मंदिर है, संत रविदास महाराज का मंदिर है और भूमिया जी का मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है, केसरा कंवर जी का मंदिर है, झुंझार जी का मंदिर है, गंगा माता का मंदिर है जो कि बट के पास में स्कूल में तथा सुरिरा में संत संप्रदाय दत्त संप्रदाय का है। सुरिरा की प्रमुख भाषा राजस्थानी हिंदी और इंग्लिश है। सुरिरा में हाड़ौती भाषा भी बोली
जाती है। सूर्यजा में प्रमुख केंद्र है। सूर्यजा में प्रमुख केंद्र वो है जो कि निम्न है। राय राम बाबा का मंदिर है, डोंगरी मंदिर है, काली माता का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, रामदेव जी महाराज का मंदिर है, सूर्यजा का किला गढ़ है, सूर्यजा में माउंट है। ऐसे ऐसे ये सूर्यजा पूरी संस्कृति से भरा हुआ है। यहाँ की सांस्कृतिक रीति रिवाज, धार्मिक विचारधारा, राजनीति सभी संपदार, सभी नियोजित, सभी मेरा नाम नवतम लुजिया है। आपको सूर्यजा विराम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जो सत्य है। यह जो सूर्यजा विराम के बारे में जो जानकारी दूंगा उसमें बहुत रोचक तथ्य मिलेंगे। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीए, बीएड, एमएन और कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ आईटीआई इलेक्ट्रिशियन। मेरी वेबसाइट है mandusia.blogspot.com। मेरे मोबाइल नंबर है 9929394143। मेरी अन्य पुस्तकें ए लिंक ऑफ सोशियस, सूर्यजा स्त्री द फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड बुक है न्यू जनरेशन एट चॉइस ऑफ लव और फोर्थ बुक है फर्स्ट ह्यूमन जातिवाद का उदय। वैसे तो आप सूर्यजा के बारे में सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक कंसेप्ट रूप में आपको यह सूर्यजा के बारे में शो करना चाहता हूँ। सूर्यजा राजस्थान राज्य का महत्वपूर्ण, यह सूर्यजा ग्राम पंचायत सीकर जिले की दातारामगढ़ पंचायत समिति में आती है। सूर्यजा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य तथा 18 डिग्री पश्चिमी दशांश से 53 डिग्री पूर्वी दशांश के मध्य स्थित है तथा सूर्यजा में 9 वार्ड। सूर्यजा लगभग 5 से 7 किलोमीटर में बसा हुआ है। सूर्यजा का कांकर 12,000 के समथिंग है। सूर्यजा में सभी समुदायों के लोग निवास करते हैं। सूर्यजा में मेघवाल समाज के लोग, देगर समाज के लोग, जाट समुदाय, कुमाऊं समुदाय, राजपूत समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, जैन समुदाय, गुज्जर समुदाय, मीणा समुदाय, हरिजन समुदाय, नायक समुदाय, डोली समुदाय और अन्य जो कि मुस्लिम समाज में हमारे सूर्यजा ग्राम में निवास करते हैं। इसमें है कलाल, साईं, मनियार आदि। सूर्यजा ग्राम पंचायत में सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की 63.76% है, मेंस 63.76%। सूर्यजा की जनगणना 2011 के अनुसार 7,542 है। सूर्यजा का तापमान लगभग स्थिर रहता है, समान रहता है। सूर्यजा में बहुत बड़े बड़े पर्वत है तथा सूर्यजा का सबसे ऊंचा पर्वत काली माता रायराम बाबा पर्वत है। सूर्यजा की प्रमुख नदी जो कि बंदा से आती है, जो नासोरी नदी में उसका पानी मिल जाता है। सूर्यजा की सबसे लंबी नदी बंदा नदी है जो कि सूर्यजा से निकलकर नासोरी नदी में प्रवेश करती है। सूर्यजा का मरुस्थल भी समान तथा सूर्यजा में मुख्य रूप से खनिज जो कि निम्न है, बालू है, बजरी है, पत्थर आदि जो कि पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। सूर्यजा में फसलें भी बहुत होती है, जैसे बाजरा है, मूंगफली है, चना है, मोठ है, गंवार है, ज्वार है आदि। सूर्यजा ग्राम पंचायत में गाय अभयारण्य भी है। यहाँ लगभग 300 गायें हैं। इस अभयारण्य में 300 गायें हैं। यह सूर्यजा के अच्छे वातावरण डूंगरी पास में स्थित है। वैसे भी सूर्यजा के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन सूर्यजा में अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कभी सुनी भी नहीं है, कभी देखी भी नहीं है। देखी है तो उसमें ज़्यादा गौर नहीं किया गया है। सूर्यजा में प्रमुख शिक्षण संस्थान, सूर्यजा में सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय भी स्थित है, जैसे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल गढ़ के पास में, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कि मेघवाल समाज के मोहल्ले में से गुजरने वाली गली के पास में है और इसके बाद में प्राथमिक विद्यालय है तथा इसके अलावा सूर्यजा में निजी विद्यालय भी है। सूर्यजा में
पब्लिक स्कूल है जो कि एक निजी विद्यालय है। नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। सूर्य में शिक्षा का अच्छा माहौल है और सूर्य की साक्षरता दर 96.67% है। तथा सुरेरा में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे बालाजी का मंदिर है, बाबू जी का मंदिर है, तेजा जी का मंदिर है, देवनारायण का मंदिर है, बाबा रामदेव का मंदिर है, संत रेदास जी महाराज का मंदिर है और भूमिया जी का मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है, केसरा कंवर जी का मंदिर है, झुंझार जी का मंदिर है, गंगा माता का मंदिर है जो कि बड़ के पास में स्कूल में। तथा सुरेरा में संत संप्रदाय धर्म संप्रदाय का है। सुरेरा की प्रमुख भाषा राजस्थानी हिंदी और इंग्लिश है। सुरेरा में हाड़ूटी भाषा भी बोली जाती है। सुरेरा में प्रमुख केंद्र है, सुरेरा में प्रमुख केंद्र वो है जो कि नमन है, राय राम बाबा का मंदिर है, डोंगरी मंदिर है, काली माता का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, रामदेव जी महाराज का मंदिर है, सुरेरा के किला गढ़ है, सुरेरा में माउंट है। ऐसे ये सुरेरा पूरी संस्कृति से भरा हुआ है। यहाँ की सांस्कृतिक रीति रिवाज, धार्मिक विचारधारा, राजनीतिक सभी संप्रदाय, सभी नियोजित, सभी मेरा नाम नवरतन मुंशिया है। आपको सुरेरा ग्राम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जो सत्य है। यह जो सुरेरा ग्राम के बारे में जो जानकारी दूंगा उसमें बहुत रोचक तथ्य मिलेंगे। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीए, बीएड, एमएन और कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन। मेरी वेबसाइट है mandusia.blogspot.com। मेरे मोबाइल नंबर है 9992939414। मेरी अन्य पुस्तकें ए लिंक ऑफ सोशल